हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज है 12 जुलाई 2023। हाँ तो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वरदानी देवी मंदिर में, और वरदानी देवी मंदिर से व्यू कुछ इस टाइप का है। तो गाइस, ये यहाँ पर पे वरदानी देवी का इतिहास लिखा गया है सुनहरे अक्षरों में, और यहाँ पर पे छतरी है और 200 फीट लंबा झंडा है। वरदानी देवी से पिथौरागढ़ का जो व्यू आता है वो कहीं से नहीं आता। यहाँ पर पे आजकल पार्क भी बन गया है जिसमें कि लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं शाम के समय, सुबह के समय, और यह है एक व्यू शहर का। तो गाइज, अब आपको लेके चलते हैं हम आगे की यात्रा में। हाँ तो गाइज, अब हम चंडाक पहुँच चुके हैं और चंडाक से निकल रहे हैं आगे मुस्टमानों की तरफ को। ये है पशुपतिनाथ मंदिर का गेट, और इधर साइड है ग्रिड जिसमें कि धौली गंगा परियोजना से बिजली आती है और आगे को सप्लाई होती है देशों के लिए। और अब हम पहुंच चुके हैं मुष्टमानु मंदिर के पास में और बढ़ रहे हैं आगे की तरफ को, ग्रीन आइलैंड की तरफ को निकल रहे हैं, और वापसी में आपको दिखाएंगे मुष्टमानु मंदिर अंदर से। चंडाक में मेडिकल कॉलेज बनने वाला है पिथौरागढ़ का, जिसका कि सामान यहाँ पर रखा गया है। ग्रीन आइलैंड का रास्ता काफी खतरनाक जगहों से होकर जाता है, आप देख सकते हैं वीडियो में कि हम पहाड़ों के किनारे किनारे किस तरह से जा रहे हैं। हाँ तो गाइज, आज आए गए हम लोग ग्रीन आइलैंड में। तो गाइज, आपको हम अंदर से दिखाते हैं कि ग्रीन आइलैंड किस टाइप का है। तो वे देखिए, ये दुनिया भर के स्माइलीज लगा रखे हैं ड्रॉ करके। चलिए अंदर की तरफ को चलते हैं, और रास्ते के दोनों तरफ अच्छे से फूल लगाए गए हैं, और वाइट कलर के टेंट भी यहाँ पर लगाए गए हैं जिसमें कि टॉयलेट बाथरूम अटैच है यहीं पर, और इनके अंदर काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया गया है। और ये है अंदर से व्यू इस टेंट का, जिसमें कि आप अपना शानदार समय बिता सकते हैं। और अब चलते हैं साइकिलिंग करने के लिए रस्सी के ऊपर, यहाँ से लेकर वहाँ तक ले जाया जा सकता है। इस टाइप के एडवेंचरस एक्टिविटी करने के लिए पहले ही फॉर्म भराया जाता है, जिसमें कि हम अपने रिस्क पर हम ये कर रहे हैं करके साइन करते हैं। साइकिलिंग के लिए सबसे पहले सेफ्टी बेल्ट पहनना जरूरी होता है।
काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। स्टार्टिंग में तो नीचे देखने में डर लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे हमने साइकिल चला ही लिया आगे को। तो गाइस अब हम जा रहे हैं जिप लाइन करने के लिए। जिप लाइन की रस्सी जो कि 100 मीटर की है, ऊपर चढ़ेंगे गाइस हम पहले। ये अब आपको क्या करना है ना, सिर्फ पांव को ऊपर फोल्ड करके रखना है ऐसे, ठीक है? अच्छा, ये पकड़ो। क्या ये पकड़ो? हाँ, ये पकड़ो। बैठ जाओ। चेयर में कैसे बैठ जाओ? इसको टच ही करना। अच्छा, बैठ। चल दूँ? हाँ, पांव को फोल्ड। तो गाइस हमने जिप लाइन भी कर ली है, अब हम फ्री हैं, हमने एक्टिविटी कर ली है, अब हम घूमते हैं ग्रीन आइलैंड में। यहाँ पर भी देखिए बैठने के लिए और स्विमिंग पूल बनने वाला है साइड में, और ये है यहाँ का मेन एरिया जहाँ पर कि पूरी दुनिया आके फोटो खिंचाती है, लेकिन हमने यहाँ पर भी वीडियो ही शूट करा। देखिए स्टार में खड़े होकर लोग फोटो खिंचाते हैं, दिल में फोटो खिंचाते हैं। और अब चलते हैं इनके अंदर डाइनिंग एरिया में। हमने यहाँ पर पे कुछ खास तो नहीं, बस एक आइसक्रीम ली क्योंकि हमें थकान हो चुकी थी दो एक्टिविटी करके। हमने एक कॉटन कैंडी ली और यहाँ के व्यू के साथ में एंजॉय करते हुए हमने अपने टाइम को स्पेंड किया। बैठने के लिए पर्सनल हट बने हुए हैं, यहाँ पर आके आप अपनी फैमिली के साथ में अच्छा टाइम एंजॉय कर सकते हैं। और आज तो मौसम बंद है और बारिश भी होने लग गई है, नहीं तो यहाँ पर तो सामने पर पूरा हिमालय का रेंज दिखाई देता है। देखिए खरगोश भी हैं जो कि यहाँ की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं इस आइलैंड की। ये देखिए आप इन रस्सियों में चल सकते हैं, ऊपर साइड में इसमें हैंग करा जाएगा आपको बांध के, और इन रस्सियों से आप वॉक करते हुए आगे को बढ़ सकते हैं। अब चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ को। तो गाइस जब हमारा ग्रीन आइलैंड का टूर समाप्त हुआ और अब निकलते हैं पिथौरागढ़ की तरफ को। गाइस ये है मोस्टामानू का मंदिर। जब पृथ्वी में वर्षा नहीं होती है तो मुस्टा देवता की पूजा करी जाती है, जिसके फलस्वरूप बरसात होती है पृथ्वी पे। तो गाइस आपको हम लेके चलते हैं मोस्टामानू मंदिर के अंदर। हाँ तो गाइस अभी हम चल रहे हैं मोस्टामानू मंदिर में। ये देखिए यहाँ का भव्य गेट। पहले हम मंदिर की परिक्रमा कर लेंगे। मिले हुए अभी हमें चंडाक में। भैया पढ़ाई कितनी कर ली आपने पूरी? 12th पास किया। कब किया? चलिए ठीक है भैया, ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए, मिलते हैं। अब आपको लेके चलते हैं मोस्टामानू मंदिर के अंदर। कुछ इस टाइप का है, देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल यहाँ पर चढ़ाए गए हैं भगवान को, और ऊपर साइड में छत्र मोस्टा देवता का।
देखिए साइड में झूला लगा हुआ। मंदिर में आके काफी अच्छा लगा और हल्की हल्की बरसात भी होने लग गई है मोस्टा मंदिर में आके। तो भाई जब चलते हैं हम आगे की तरफ को। ये देखिए अभी हम आ चुके हैं चंडाक में, देवदार के जंगल के बीच में, और यहाँ पर पहाड़ी गाने की शूटिंग भी हो रही है। ये देखिए पहाड़ी कलाकार फुल रंग में नाच रहे हैं। चलते हैं यहाँ के व्यू पॉइंट की तरफ को, जहाँ से कि नैनी सैनी हवाई पट्टी दिखाई देती है और टीवी टावर भी है यहाँ पे बहुत पुराने समय का। ये देखिए गाइस नैनी सैनी हवाई पट्टी को, लगभग 2 किलोमीटर की है ये हवाई पट्टी। दूरदर्शन का बहुत पुराना टावर है गाइस ये, जो कि चंडाक से रिले होता है और बहुत दूर दूर तक पकड़ता है। अब चलते हैं शूटिंग वालों की तरफ को। ये देखिए गाइज एप्स लंगूर। गाइज ये देखिए पिथौरागढ़ की मैग्नेसाइट फैक्ट्री जो कि 20 साल से लगभग बंद पड़ी है। गाइज ये देखिए स्विमिंग पूल बनता हुआ पिथौरागढ़ शहर के लोगों के लिए। यहाँ पर अगले साल से यहाँ पर पानी भर जाएगा अगली गर्मी तक और यहाँ पर बच्चे स्विमिंग कर पाएंगे। गाइज अब आ चुके हैं हम टॉय मार्केट में। हमने हार्दिक के लिए टॉयज ले जाने हैं आज, तो टॉयज का सिलेक्शन करना काफ़ी टफ पड़ रहा है मेरे लिए। तो गाइज देखिए मैंने किस टाइप के टॉयज खरीदे हार्दिक के लिए। एट लास्ट एक तो ये गन ली हमने निशाना लगाने वाली, दूसरा हमने ये पजल बॉक्स लिया जिसमें किस टाइप के पैटर्न बनाने हैं, और तीसरा ये हार्दिक के हाथ में हेलीकॉप्टर है ये लिया हमने। ये है हार्दिक के खिलौनों का कलेक्शन। तो गाइज खाने में आज बन रहा है शाही पनीर और बन रही हैं रोटियां। तो गाइज ब्लॉग कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।